बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बना रहे हैं ब्रोकली। ये ब्रोकली बहुत अच्छी और सेहतमंद और ज़बरदस्त बनती है, तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। इसमें जाएंगे मशरूम, ये मटर, चिकन, टमाटर, तीन टमाटर की हमने प्योरी बनाई है, और ये गाजर, आलू जिनको हमने लंबा लंबा काट लिया है, और ये सेम की फली, और ये शिमला मिर्च और छोटी मिर्चें दो, बटर, अदरक लहसुन, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, और ये ग्रीन प्याज, और ये चॉप किया हुआ प्याज, ज़ीरा साबित, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस, नींबू का रस दो चम्मच, और ये टमाटर प्योरी जो बाज़ार में बनी हुई मिलती है वो, और काली मिर्च। चिकन में हम थोड़ा सा नमक और कॉर्नफ्लावर मिला के थोड़ी सी देर छोड़ देंगे इसको, तकरीबन एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और ये थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये लगा के हम इसको रख देते हैं। तब तक हम सब्जियों को पकाते हैं। ये इन चीज़ों को हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा एक उबाल आने तक हम इन्हें बॉईल करेंगे, उसके बाद हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और 1 स्पून सिरका, इससे सब्जियों का कलर बहुत अच्छा आता है। बटर डाला हमने इसमें, बटर हमारा पिघल चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये चंद पत्ते कड़ी पत्ता, ये हमने कर ली इसमें सब्जियां शामिल, जो एक उबाल देके हमने निकाली हुई थी। हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम चिकन को फ्राई करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लावर लगा के रखा हुआ था। चिकन हमारा पक चुका है, अब हम करते हैं सब्जियों में शामिल। चिकन भी हमने शामिल कर लिया इसमें, टमाटर जो हमने पीसा हुआ था, ग्रेट किया था, नमक गया इसमें, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और ये जो टमाटर प्यूरी थी,
सोया सॉस गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे मशरूम। ये चिली सॉस गई, थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर पकाते हैं। सारी चीज़ें हमने शामिल कर ली थी इसमें। अब ये बनकर तैयार हो गया हमारा ब्रोकली का मिक्स वेजिटेबल चिकन के साथ। ये ग्रीन ऑनियन हमने इसमें शामिल किया और हरा धनिया देकर हम करते हैं इसको डिश आउट। दो मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है ब्रोकली के साथ चिकन और वेजिटेबल, तो बहुत अच्छी बनती है। आप भी बनाइए। आजकल जैसे सब्ज़ियाँ ताज़ा मिलती हैं तो बहुत अच्छी बनती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो फॉलो करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।